सत श्री अकाल आदाब नमस्कार तो करंट टीवी पंजाब में बूटा सिंह लद्दड़। कोई ऐसा कर्म कमा के दुनिया याद करे, याद उन्होंने करती है योध्या साडे खन्ने शहर के योधे बैठे ने, ये सूरवीर बैठे ने वीर, ये उन्हें हर मुसीबत के विच खड़दे ने लोगों के नाल। एक बड़ी मुसीबत हुण पैण लगी है चाइना डोर की, कईयों के उपर पै भी गई आ, कई गर्दन भी कट्टिया गई ने, खन्ने की घटना भी तुम देखी होनी है, मुंडे की गर्दन लग गई है, जो उहदे उपर डिबेट रखी गई है। शहर के समाज सेवक बैठे ने, भरा बैठे ने, गलबात करेंगे उनके नाल। हाँ जी, पहला MC साहब बैठे ने, उन्हें गलबात करते हैं। हाँ जी MC साहब, सत श्री अकाल जी सारे। एक बड़ा मसला ही चाइना डोर का जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत चिंता का विषय। जदों अपने घर अग लगती है फिर पता लगता, जिहड़े छोटे छोटे बच्चे ने, ये छोटे छोटे बच्चों के किन्निया रोज़ घटनावां होंदियां ने, किसी की गर्दन बढ़ी गई, किसी के अज की खबर है, एक चलती है 120 टांके लगे 4 साल के बच्चे दे, ये एडा चिंता का विषय। जे ते काबू ना पाया गया तो यह बड़ी मुसीबत बनूगा। लोगों दी गड्डियां दे बोनट तक वढे जांदे ने, एड्डी खतरनाक चीज़ है। सरकार नूं इह पुरजोर अपील है कि इहदे जल्द तो जल्द बैन की जाए, जिथों बनती है उत्थे बैन होनी चाहिए। गोल्टी, जिद्दां कि हुण जानवर भी खत्म होंदे जा रहे चाइना डोर दे नाल। देखो जिहड़े चाइना डोर है, ये पिछले 4-5 सालों तो इन्हें इन्ना क अपना पैर परसाए हुए ने, जिहड़े इहदे कारीगर ने जां जिहड़े इन्हां नूं सप्लाई करदे ने, उह इन्नी क पैसे कमाण दी खातिर अपना मतलब कि सारा कुछ भुल्ली बैठे ने। उन्होंने ये नहीं पता लगता जिते ये बेजवान पंछियों लिए मौत तो घट घट कहे, उत्थे ही नौजवानों वास्ते बच्चों वास्ते। तुसीं पिछले दिनों के कई खबर अखबारों के भी देखे होने, न्यूज़ चैनलों के भी चल रही चलदियाँ आ रही ने, भी कदे कि हादसा हो रहा, कदे कि हादसा हो रहा। पिछले जिवें साडे MC साहब ने दस्सिया भी 120 टांके एक 4 साल की बच्ची नूं लगे ने, उत्थे ही मैं दसना चाहुंदा कल गुरु अमरदास मार्केट के जिथे कि मेरा काम कर, उत्थे एक एक्टिवा ते बजुर्ग बंदा इन्नी क चपेट के आ गया सीगा, उहदे 7 टांके सिविल होस्पिटल लगे ने। इन्ना क बुरा हाल से भी जे वो थोड़ा जा होर रेस स्कूटरी दे देंगे, शायद उन्होंने भी अपनी जान तो हाथ गवाने पेंदे। तो सानू ये पिछले काफ़ी लंबे समय तो असं ये संघर्ष कर रहे हैं, साढ़े चंदन नेगी जी, हंसराज विनानी जी, तो मैं असी सारे ने पिछे अपना SSP साहब के भी मंग पत्र दिता जी, SDM साहब के भी दिता वै, पर जिहड़ी सख्ताई दे नाल असी नौजवान जां साडे MC साहिबान जां साडे शहर दीआं संस्थावां लगियां होईआं, सरकार ते प्रशासन ये काम लिए बहुत ही ज़्यादा फेल है, फेल साबित हो रहा, क्योंकि हुण तक असी नहीं देखिया भी किसी नूं चंगी तरह फड़ के अंदर किया हो। यही गल्लां सुणन नूं मिलदियां, जे कितें छापेमारी हुंदी भी है तां बाद दे विच उहनूं छड्ड दित्ता जांदा है, तां कि इहनूं छड्डना नहीं चाहीदा, उहनां नूं सख्त तों सख्त सज़ा देनी चाहीदी है, भी जिहड़ी आ चाइना डोर है बिल्कुल ही खत्म हो जाए, तां कि असी अपने आने वाले जिहड़े नौजवान बच्चे ने जां भविष्य है जिहड़ा बच्चों का, वह खतरे दे विच ना पवे। इत्थे साडे नाल भैण भी बैठी, भैण तुसीं तां अपने गल दे विच पाया हो, अजकल तां पाउंदियां नहीं कि कुड़ियां जी। मैं अपने आप नूं सेफ रखने वास्ते पाया, ताकि लंघदे वड़दे मतलब मेरे गले दे विच चपेट च ना आ जावां मैं किसी चाइना डोर दी। और बहुत ही दुखदाई घटना हैगी कि जदों भी त्यौहार आंदा हैगा उदों ये मुद्दा गरमाया जांदा है, और हमेशा ही हर साल जदों त्यौहार जाण तों बाद ये मुद्दा ठंडा हो जांदा है। असीं पिछले साल सांझे तौर ते साडे विरानी अंकल जी जो कि समाज सेवी आ, उन्हां ने अनशन दा वर्त रख्या सीगा कि जदों तक इस नूं नत्थ नहीं पाई जाएगी प्रशासन सख्त एक्शन नहीं लेवेगा मैं ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਜੀ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਡੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ 24 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਠ ਗੰਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੱਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਟੀਆ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਤੂ ਗਿਣੇ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਰਿਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਖਿੜਦੇ ਨੇ।
कुदरत ने नियम दिता है, पर असी इस नियम के उत्ते जाके तो क्योंकि मैं एक गल देखी है, जो माघ राज माघ शुरू होंगी है तो दरबार साहब के पहले माघी तो शुरू होता है बसंत राग, क्योंकि बसंत रितु सब तो वधिया रितु मनी गया, पर इस रितु नूं खराब करने लई की किया जा रहा है। तुसीं इह गल देखो भी पंजाब दे विच पूरी दुनिया दे विच इंडिया दे विच एक कातल डोर जिन्हों को चाइना डोर का नाम दिता गया, मैं चाइना डोर नहीं मैं कातल डोर कहांगा, भी कातल डोर के नाँ देते बच्चों साडे बच्चों गुमराह करके लोग अजकल की सिस्टम चल रहा ऑनलाइन तुसीं फोन करो तो घर तुहाडे डोर पहुँच जाती है। ये बहुत एक घिनौना काम चल पिया, क्योंकि तुसीं देख सकते हो अज चैनल अखबार से खबरां भी लगियां है, समराले की खबर है, देखो 120 बच्चे, वो बच्चा बेचारा कार च अपने पापा नाल जा रहा है तो उन्हें कार का शीशा खोलिया तो जद ही वो कार ने गला वढ़ता मूँह तकरीबन, वो बच्चे की उम्र साढ़े 4 साल है, 120 टांके मासूम बच्चा तो 120 टांके देखो किड्डी दर्दनाक है। इस तो अलावा साडे खन्ने पहला भी घटनावां हो चुकिया ने, रेहड़ी रोड के उत्ते अपना तुसीं देखिया भी एक बंदे की गर्दन कट्टी गई थी। सो ये मैं इनू कातल डोर का नाम दे रहा, मैं लोगों को अवेयर कर रहा, तुहाडे चैनल का धन्यवाद कर रहा, शहर वासी असीं इकट्ठे होए हाँ इस मुद्दे के उत्ते, मैं बेनती करूँगा पुलिस प्रशासन को सिविल प्रशासन को इहदे ते वड्डी तो वड्डी कार्रवाई की जाए। अगर किसी को डोर मिलती है तो वो जमानत नहीं होनी चाहिए, पता नहीं कैसा कानून है भी नाल दी जमानत दे देंगे ने। सो मैं बेनती करना चाहवागा इस आपां कुदरत खिलाफ आपां ना खिलवाड़ ना करिए, क्योंकि जिहड़ा बसंत रितु है बहुत वधिया रितु है, इहनू उस रितु दे नाल आपां मनाईए जिवें कि कुदरत खुश होंदी है, फुल खिलड़दे ने, पंछी चहकते हैं, तुम देखो दरख्तों के उत्ते पत्ते हरे हुए पे ने। सो इदा का मैं चाहना माहौल हो, दुनिया के उत्ते ऐसा माहौल हो भी आप भी इस माहौल को खुशगवार बना सकी। सो मैं लोगों ने भी अपील करा ना, लोगों ने भी अपील करा जे असी संस्था वाले सारे अच्छ बैठे हैं पार्टी वाइज तो उपर उठ के, साडे सुखमन जी बैठे ने, होर भी संस्था नीमा जी ने जो उपराला किया, तो साढ़े चाचा जी नेगी साहब जी बैठे ने, इन्होंने उपराला किया लोगों को जागरूक करने लिए। सो मैं बेनती करा असी चैनल के राही आप माध्यम राही लोगों को बेनती करते हैं इस डोर का आप बाइकाट करिए, अगर कोई डोर उड़ा भी बच्चा उठ तो मैं एक होर सख्ती गल कहना, जो कोई बच्चा डोर पतंग उड़ा तो असी भी जाके तो नाल गुआढ़ी बल्कि शिकायत करन तो वह बच्चे डोर आप जदे जे सार दी जाएगी, मेरे तो ये इस तक मैं संदेशा दूंगा।